जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम निकले हुए हैं रामपथ का अपडेट लेने, और यहां पे भी आप देख सकते हैं, और बात करो तो कहां से ये देख सकते हैं, उदया के पास से जय सकते हैं। और आज अपडेट में आपको पूरा दिखाने वाले हैं, यहां से जो भी अपडेट है वो सब मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और यहां से भी देख सकते हैं, सीधे हम चलते हैं आपका नया वाला रेलवे स्टेशन जो बना है उस रूट से होते हुए सीधे चलेंगे, और जो भी अपडेट है वो सब आपके साथ शेयर कर देंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे रामपथ पे, क्योंकि 13 किलोमीटर होने वाला है आपका, और सादतगंज से लगभग आपका ये आपका चला जाता है लता मंगेशकर चौक की तरफ, 13 किलोमीटर की लेंथ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ तो दोनों तरफ रोड बना दी गई है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्योंकि बगल में आपका फुटपाथ का पूरा बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे फुटपाथ बनाया जा रहा है। अरे जो पीछे देख आप ये वाला पत्थर देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये जो है ना बीच में लगाया जाएगा आपका ट्रैक डिवाइडर के, देख सकते हैं ये वाला पूरा पत्थर यहाँ पे कहीं लगा भी दिया है, और उसके बाद जो भी है रोड का पूरा बनाया गया है, बराबर कर दिया जाएगा। बाकी ये सब आप देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पे जो अपडेट है वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि भाई यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे भीड़ देखने को मिल गई, अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये रानोपाली चौराहा है, क्रॉसिंग के पास बहुत अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, क्योंकि रेल आती है, जब ट्रेन आती है आपकी तो फाटक बंद करने के बाद पूरा यहाँ पे जाम लग जाता है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर रामपथ का आपका यहाँ पे तो बोलो भाई बन चुका है, तो यहाँ पे अप डाउन अब स्टार्ट हो चुका है एकदम परमानेंट, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ लगना तो भाई लाजमी है। तो अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं ये है आपका रानोपाली क्रॉसिंग, और यहाँ पे ही भीड़ लग गई है, और यहीं तक है पूरा कुल मिला के भीड़ आपका यहीं तक है, देख सकते हैं जस्ट ये देखिए। और ये ट्रक वाले भाई ने पूरा लगाया जाम एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं जस्ट अभी हम आगे निकलते हैं, और आगे जो भी अपडेट है वो देखते हैं, वहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लगा था, वहाँ से मैंने स्किप किया और यहाँ से जस्ट स्टार्ट किया तुरंत। यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए कैसे यहाँ पे लगाया जाएगा, आप भी जब लगा दीजिएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इस ब्लॉग में, इस बार तो किस वाली मतलब नेक्स्ट मैं दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना भयंकर पहाड़ पूरा बनाया गया था एकदम गिट्टियों का, और यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से पूरा सप्लाई की जाती थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कम भी हो गया है क्योंकि सारा सप्लाई करके पूरा एकदम बराबर तरीके से बना दिया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, और इस वजह से यहाँ काम हो गया और मिला के पूरा अपना यह सप्लाई होती है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए बीच में यहाँ पे आपका यहाँ पे कार्य भी चालू हो चुका है इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो बीच में आपका पूरा बनाया जा रहा है वो देखिए, जो बीच का है ना यहाँ पे देख सकते हैं नाली के रूप में बनाया गया, इसी को बीच पर मतलब लगाया जाएगा इसका, ये रेडीमेड पूरा बना के लाया गया है यहाँ पे, कोई ऐसा ढला ही नहीं, पूरा इसको बीच में लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो देखिए, इसी वजह से आपका ये बीच में लाइन छोड़ा गया था, और फुटपाथ का काम जो बनना था आपका वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे चालू हो चुका है। तो आगे देखते हैं आपका किरणी बाजार के पास जो भी क्या चीज़ अपडेट है। और भाई मैं बात करूँ रामपथ की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सीधा उदया से, मतलब उदया के बेनीगंज से बात करूँ बेनीगंज से, तो वहाँ से प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल गया पूरा रोड जो है वो आपका दोनों तरफ बना दी गई है। उसके बाद अभी किरणी बाजार तक हम चलते चले हैं, और आपको देखने को मिल गया पूरा यहाँ तक प्रॉपर तरीके से बनाई गई है, आगे भी देखेंगे कि क्या अपडेट है। और ये देख सकते हैं अगर ये बात करो कि अभी जल्द ही मतलब लगभग 2 हफ्ते के अंदर आपका इतना निर्माण हो चुका, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना तेज़ी से काम चल रहा है। और कहीं कहीं पे जैसे अभी यहाँ पे देखने को मिल गया आपका टेढ़ी बाजार पे, क्योंकि ये चौराहा है तो इस वजह से अभी यहाँ पे खाली गिट्टियाँ करके और आपका पूरा यहाँ पे बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और अभी आगे देख लेते हैं कहाँ पे पूरा हो चुका है कार्य और कहाँ पे नहीं हुआ है वो देखते हैं। ये है आपका टेढ़ी बाजार चौराहा, नया वाला रेलवे स्टेशन यहीं से जाता है, उसको दिखा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी पानी निकालने का कार्य हो रहा है, वो देखिए वो टैंकर के द्वारा, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पानी भरा है, तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कैसे निकाला जा रहा है, और इस पर स्टार्ट करके पूरा। और यहाँ पे देखने को मिल गया आपका राइट साइड में प्रॉपर तरीके से बनाया गया रोड बना दिया गया, इस पर चढ़ते हैं और यहाँ से सीधे चलते हैं, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं, और यहाँ पे एक आपका गेट बनाया गया था वो भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं
प्रॉपर तरीके से बात करो तो निर्माण कार्य अपने यहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है। आपका राइट साइड में जिसे रोड पे चल रहा हूँ, राइट साइड पड़ रहा है मेरा, और इस पे बना दिया गया अच्छा खासा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं और कैसे यहाँ पे मतलब एक साइड बना है, तो यहाँ पे लोग एक ही साइड से चलने का प्रिफर कर रहे हैं। आपका मतलब बहुत बढ़िया है इस साइड से, इस वजह से जाम भी लगना वो भी एक तरफ से चल रहे हैं तो दिक्कतों का सामना भी है भाई, क्योंकि वो उतारते नहीं है और जिससे कि जाम भी लग जाता है यहाँ पे। बाकी अभी जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा पत्थर यहाँ पे लाया गया है, ये देखिए सब राम मंदिर में लगने वाले पत्थर हैं और ये सब लगाए जाते हैं यहाँ पे, लगाए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी ट्रक खड़ी हैं वो इसीलिए है, सब पत्थर लाया जाता है और उसका बाद की वहाँ ले जाया जाता है। और बाकी अपडेट जो है वो मैं दिखाता हूँ आगे चल के कि कहाँ पे क्या क्या निर्माण किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बनाया जा रहा है रोड आपका इस साइड पे, ये देखिए यहाँ पे ये मशीनें खड़ी हुई हैं। वैसे मैं बात करूँ आज वो इस वजह से बंद है ना, क्योंकि बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही थी तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा पानी भर गया और आप समझ सकते हैं इस वजह से यहाँ पे कार्य थोड़ा रुक गया। तो पानी भरने की वजह से यहाँ पे जो कार्य है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, और जिस दिन मतलब जैसे बारिश की वजह से कुल मिला के, और वैसे बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है क्योंकि आपको खुद देखने को मिल गया, जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे वो खुद देख रख सकते हैं कि मतलब कितनी तेज़ी से यहाँ पे रामपथ पे कार्य चल रहा है। और अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या अपडेट होने वाला है आपका, क्योंकि और जो पुराना वाला रास्ता था रेलवे स्टेशन का वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपका श्रीराम हॉस्पिटल के सामने आपका आता है। और बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि मतलब श्रीराम जैसे आपका रेलवे स्टेशन से आपका राम मंदिर की डिस्टेंस कितनी है, लगभग 1 किलोमीटर आपका पड़ेगा। और इससे अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करूँ तो श्रीराम हॉस्पिटल आपका पड़ जाता है लगभग जस्ट सामने 800 मीटर, मतलब 500 मीटर, लगभग 500-600 मीटर पे। वो भी दिखा देते हैं हम आपको इसी ब्लॉग में। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये राम पथ का पूरा निर्माण कार्य है, मैं आपके शेयर करते हुए पूरा इस ब्लॉग में। और यही है देख सकते हैं आप, आपका श्रीराम हॉस्पिटल, ये वाला आपका श्रीराम हॉस्पिटल है ये देखिए, जो कि इसकी बाउंड्री इसको पीछे कर दिया गया था थोड़ा सा, कि आगे बना था ना यहाँ पे और उसको पीछे कर दिया क्योंकि चौड़ीकरण में ये भी आ रहा था तो उसको पीछे कर दिया गया। ये देखिए आपका श्रीराम हॉस्पिटल है, और जैसे जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन का रास्ता था वो ये वाला है, ये देखिए तो ये वाला आपका पुराना रेलवे स्टेशन का रास्ता, यहीं से आता है आपका राम मंदिर, आपका इसी रास्ते से आपका लगभग 1 किलोमीटर पड़ जाता है डिस्टेंस। और चलिए मैं जन्मभूमि पथ का भी आपको दिखा देता हूँ इससे, क्योंकि बस आपका जस्ट पड़ गया है वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे गिट्टियाँ पड़ चुकी हैं और रोड का पूरा बहुत जल्दी यहाँ पे ही बना दी जाएगी, क्योंकि ये मेन है आपका राम जन्मभूमि पथ। और ये देख सकते हैं राम जन्मभूमि पथ ये वाला है आपका, और यहाँ पे भी निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको रीडेवलप किया जा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए ये आपका राम जन्मभूमि पथ है, ये देखिए यहीं से सीधा प्रभु श्री राम जी का मतलब मंदिर यहाँ पे जा यहीं से जाया जाता है। और ये नया वाला रास्ता था बात करूँ तो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक जेसीबी आपको मिल गई, यहाँ पे बीच में खड़ी की गई है, और ये आपका सीवर का यहाँ पे खुली है, यहाँ पे खुला था सीवर तो इस वजह से बीच में खड़ा कर दिया उसने, ये जैसे दिक्कत मतलब इसे आपका समस्या ना आए कुल मिला के, तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अभी हम आगे चलते हैं हनुमानगढ़ी के पास और वो देखते हैं जो कि अपडेट है, क्या 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 अपडेट है यहाँ पे उसे देखते हैं ब्लॉक है। तो अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको इधर देखने को मिल गया। अच्छा इससे पहले मैं आपने देखा होगा जब मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ का ब्लॉक किया था, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा गिट्टियाँ भरा जा रहा था और लगाया जा रहा था, खाली रोड बनना बाकी था। उसके बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं सीधा, हम सीधा चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इसी साइड में हो रहा था पूरा, देख सकते हैं ये देखिए, तो यहाँ पे पूरी गिट्टियाँ बिछा दी गई हैं और बीच में देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है, क्योंकि ऊंचा नीचा है तो इस वजह से कहीं पे ऊंचा और कहीं नीचा हो गया तो पानी भर जाता है। और बाकी तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं हमारे साथ, अयोध्या कहाँ से कहाँ जा रही है अयोध्या डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसे आपका हनुमानगढ़ी, ये वो देखिए ये आपकी हनुमानगढ़ी है, एक रास्ता ये है और एक ये मेन रास्ता है आपका, रूट है मेन रूट हनुमानगढ़ी जाने के लिए, ये देखिए ये देखिए। और आगे से हम चलते हैं और आगे दिखाते हैं भक्ति पथ मार्ग का भी आपको दिखा देते हैं,
जो रूट जाता है भक्ति पथ मार्ग का, क्योंकि बहुत लोगों से सवाल होगा जो भक्ति पथ मार्ग कौन सा है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, जानना जरूरी है आपके लिए। और यहाँ पे कॉमन कोर्ट बिल्डिंग आप जैसे देख सकते हैं यहाँ, और ये देखिए यहाँ पे पूरा बनाया जा रहा है, ये देखिए। तो अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ये देखिए जो आपका भक्ति पथ मार्ग है वो ये वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका भक्ति पथ मार्ग है, इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है, देख सकते हैं। और वैसे बहुत कार्य यहाँ पे हो चुका है भक्ति पथ मार्ग का आपका। और आगे अगर बात करो तो ये राम पथ में जो भी अपडेट है ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ रोड बना दिए। और आगे देखते हैं जो भी अपडेट है कि ये रोड कहाँ तक बनाई गई है, देखिए आपका यहाँ पे किला है, क्या गजब का यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद आपका सीधा चलते हैं हम आगे देखते हैं, और यहाँ पे भी डिवाइडर वाला अभी यहाँ पे बनना स्टार्ट, डिवाइडर लगाना स्टार्ट, डिवाइडर वो भी बहुत जल्द हो जाएगा वो भी लगना। और बाकी का यहाँ पे तो बहुत तेज़ी से वर्क चला भाई, आप खुद देख सकते हो, मतलब एक हफ्ते के अंदर आपका लगभग यहाँ पे रोड भी बना दी गई दोनों तरफ। और यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं जो भी अपडेट है, ये देखिए कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का कार्य वहाँ पे, मतलब बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि भाई दीपोत्सव नज़दीक है, लगभग 15 दिन में आपका यहाँ पे 14-15 दिन में आपका नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। और उसका मैंने आपको एक ब्लॉग दिया था कल वाली रात में डाला, तो उसको आपने देखा जो सॉरी सुबह डाला, और आपने देखा यहाँ पे पंडाल कितना बड़े बड़े बनाया जा रहा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, नहीं तो आप खुद जाके देख सकते हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत गजब यहाँ पे पंडाल बनाए जाते हैं, टॉप 10 का पूरा यहाँ पे दिखाने वाला था बहुत जल्दी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मौर्य मिष्ठान भंडार भाई, दही जलेबी यहाँ पे सबसे फेमस है यहाँ की, अयोध्या में आएँ और दही जलेबी ज़रूर खा के जाएँ, ये बहुत बढ़िया बनाते हैं, मैं गया था तो मैंने खाया बहुत अच्छा। तो ये देखिए आपको सामने देखने को मिल गया जो कि आपका डिवाइडर वाला, यहाँ पे पत्थर ला के पूरा घास दे दिया, और उसको मतलब समझिए आपका जो मैं बात कर रहा था पूरा यहाँ से बनाया जा रहा है, देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट कर दिया गया, तो यहाँ से सीधा भी आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, और बहुत गजब का यहाँ पे कार्य चल रहा है भाई, राम पथ का आपका राम पथ अपडेट यहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है, देख सकते हैं। और ये देखिए एक पुरानी बिल्डिंग है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब अयोध्या में आप एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी जिसको पीछे किया गया, और यहाँ पे भी आप देख ये जो आपका फुटपाथ का पूरा यहाँ पे बनाया जा रहा है, यहाँ पे भी बस हम पहुँच गया ज़्यादा लता मंगेशकर चौक तक। मैंने आपको इस ब्लॉग में चौक से लेके, मतलब आपको दो ब्लॉग में आपको दे दिए, चौक से लेके लता मंगेशकर चौक तक, नेक्स्ट में हम चौक से लेके चलेंगे रिकार, मतलब सादा जैसा, ये बहुत लंबी जाती है आप जानते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा लगभग 10 मिनट तक ही आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि लता मंगेशकर चौक पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, और मैं सोच रहा था ना आपको एक आर्ट गैलरी है यहाँ पे, वहाँ पे लेके चलता हूँ, अभी अभी चलते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में देख लेंगे वहाँ का पूरा, कि जो भी प्रोग्राम श्री राम से जुड़े हुए साक्ष मिले थे वो सब वहाँ पे रखे होंगे, तो उसे भी देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि भाई बहुत कुछ अलग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, कि मैं आपको दिखाते रहता हूँ, आपका भाई आपके साथ है और पूरा अयोध्या अपडेट देता रहेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो भी है पूरा लता मंगेशकर चौक तक पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये ब्लॉग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अयोध्या कहाँ से कहाँ जा रहा है वो तो आप देखें, और आगे भी देखते रहिए, और आपका फुल सपोर्ट चाहिए हमें, और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम। और हाँ भाई मैं आपको बता दूँ, जो नए व्यूअर हैं उनको सीधा लता मंगेशकर चौक दिखा देता हूँ, सबसे पहले उसे दिखा दें और उसके बाद वीडियो को एंड कर दें। देख सकते हैं रामपथ वाला मैंने देख लिया, हमने आपको दिखाया, ये है लता मंगेशकर चौक, और ये देख सकते हैं यहाँ पे लता मंगेशकर चौक, यहाँ पे क्यों नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ रखी गई है लता जी की, यहाँ पे देख सकते हैं बनाई गई है एक तरह से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जस्ट ये देखिए, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। अच्छा मैं बताऊँ आपको, रिव्यू कर देना, 5 स्टार है आपके पास रेटिंग, और उसको रिव्यू करना कितना स्टार देते हैं, मैं भी देखता हूँ आपको। जय श्री राम।